हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री मैंने आपको कल बेसिक चीज़ें बताई थी, आज भी हम उन्हीं बेसिक चीज़ों पे ही अभी आप हम काम करेंगे। और जो थ्योरी रह गई थी मैंने एक जब अभी बताना था एंगल वाइज सेक्टर, उसको मैं बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहली हेडिंग होगी आपकी वो होगी एंगल बाय सेक्टर। क्या होता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक कहते हैं एंगल बाय सेक्टर को। ओके, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी कोण है, ठीक। मान लीजिए ये है आपका 70 डिग्री का कोण है, ओके। तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इस 70 अंश के कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी एंगल बाई सेक्टर। ओके, यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली ऐसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली ऐसी रेखा वो कहलाती है आपकी एंगल बाई सेक्टर। 70 अंश का कोण था वो दो बराबर भागों में बांट देगी 35-35 में, तो ये रेखा आपकी क्या कहलाती है, एंगल बाई सेक्टर। ओके, अगर इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में समझें तो देखिए यहाँ पे ए, इसको ओ मान लेते हैं और ये बी। ओके, इसके बाद मान लीजिए ये कोण है आपका, ये कोण है आपका 2 थीटा, कोण है 2 थीटा। ओके, और इसको एक रेखा ने काटा जो कि एंगल वाइज सेक्टर है, तो ये थीटा थीटा में बट जाएगा, दो बराबर भागों में ये वाली रेखा काटती है। ओके, तो ये कौन सी रेखा है, ये है आपकी इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। अंतः कोण समद्विभाजक क्या है, अंतः कोण समद्विभाजक है ये वाली। कहने का मतलब ये कि ये जो है अभी हम इसको एक्सटीरियर एंगल वाइज सेक्टर में भी काटेंगे। कैसे, इस रेखा को हम पीछे की तरफ लाएंगे, ठीक, और ये तो आंतरिक कोण हुआ, बाहरी कोण बनाएंगे इसमें, ये बाहरी कोण हुआ, ठीक। अब इसमें क्या है, अगर हम इसमें एक्सटीरियर, इसको कोई रेखा नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं सी और इसको डी। ओके, इसमें भी हम एक कोण समद्विभाजक करेंगे, इसका मान लीजिए 2α है, ये कोण क्या है 2α। ओके, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे ये वाली रेखा, तो ये हो जाएगा, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया, समझ में आया, सो सिंपल। यानी कि ये कौन सी रेखा हो गई, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, ठीक, ठीक है। ओके, इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे की अगर बात की जाए तो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर और इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, यानी कि
बाह्य कोण समद्विभाजक और अंतः कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? ओके, तो देखिए ये आपकी कौन सी है, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। ओके, और इस स्ट्रेट लाइन में कितने अंश का कोण बनता है? इसमें आपका बनता है, ये ऐसा है, ऐसा, ये कितने अंश का कोण बना? 180 अंश का। ये पूरा कोण कितने अंश का बना? ध्यान से देखिए, ये पूरा कोण कितने अंश का बना? 180 अंश का। तो जब इस इन दोनों को पूरे को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 180 अंश। ओके, 2 कॉमन हो जाएगा तो अल्फा प्लस थीटा होके यहाँ पर जाएगा तो कितना बनेगा? 90 अंश। अल्फा क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। थीटा क्या है? इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। ओके, चलिए, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। एक बार अगर न समझ में आई हो तो दोबारा देख सकते हैं, समझ में आ जाएगी। सिंपल चीज है। मैंने आपको बताया एंगल बाई सेक्टर, यानी कि ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे, वो कोण समद्विभाजक होता है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, अभाजक मीन्स बांटने वाली। दो बराबर भागों में बांटने वाली, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा एंगल बाई सेक्टर कहलाती है। दैट सिंपल। ओके, चलिए। अच्छा, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, कहने का मतलब क्या है इसका, कि इसका जो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर है 35 सेंटीमीटर है, तो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर क्या होगा? इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर 35 है तो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर क्या होगा? तो क्या होगा वो आपका हो जाएगा, क्योंकि हम जानते क्या हैं कि इस पूरी स्ट्रेट लाइन में 180 अंश का कोण बनता है, बनता है कि नहीं? ओके, तो टोटल होता 180 का है और यहाँ पे 35 दूनी 70, 70 का बन चुका है, कितने का बचा? 110 का। और 110 को अगर हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने बनेगा? ये 55 का। समझ में आया? तो दो कोण ये काहे का बनेगा आपका? ये बन जाएगा 55 डिग्री का और 55 डिग्री का। समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या है? क्या है ट्रायंगल? ट्रायंगल आपका तीन रेखाओं से बंद एक आकृति त्रिभुज कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? तीन रेखाओं से बंद एक आकृति त्रिभुज कहलाता है। जी ठीक,
त्रिभुज के लिए कम से कम 3 लाइन होना आवश्यक है, 3 से कम से हम त्रिभुज नहीं बना सकते, ठीक। कम से कम आपके पास 3 लाइन होना जरूरी है, तभी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ये समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या होता है। चलिए इसके आगे अब त्रिभुज के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि क्या होता है त्रिभुज। ओके, मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एबीसी, इसमें 3 साइड्स, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स शीर्ष, साइड्स मीन्स किनारा। ओके, ये आपके वर्टेक्स हैं 3 ठो और ये आपकी साइड्स हैं। ओके, ये चीज आपको त्रिभुज में देखने को मिलेगी, ठीक। और एक चीज त्रिभुज में, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज ए बी कोण ए कोण बी कोण सी कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। ओके, एक चीज दूसरी हेडिंग यहां पे डालेंगे, फिर आते हैं इसमें। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? शीर्षा विभुं कोण, शीर्षा विमुख कोण। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक लाइन मैंने ये बनाई ए बी और एक लाइन मैंने ये बनाई सी डी। ओके, मान लीजिए ये जो कोण है वो आपका थीटा है, ये कोण आपका थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये कोण कितना होगा। हालांकि मैं अभी बताऊंगा, लेकिन रोक करके वीडियो आप बता सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आप जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन पर आपका एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और एक कोण थीटा है तो दूसरा उसी लाइन पर बने कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ओके, शीर्षा विमुख कोण का मतलब यह हुआ कि जो कोण यहां पे होगा वही कोण यहां पे होगा, यानी यहां पर 180 माइनस थीटा है ऊपर तो यहां पर भी उसके अपोजिट होगा, यहां पर थीटा है तो यहां पर थीटा, ठीक। ये चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं। हालांकि जब समांतर रेखाएं पढ़ेंगे तब उसमें भी शीर्षा विमुख कोण देखेंगे कौन कौन से हैं, और आपको अभी भी थोड़ा सा
बताने की मैंने यहाँ पर कोशिश करी है। ठीक, अब लौट कर इसमें आते हैं त्रिभुज में। तो जो हमने आपको बताया क्या कि त्रिभुज एबीसी, सॉरी कोण एबीसी, ये आपका अंतः कोण है, तीनों इंटीरियर एंगल है। अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की, मान लीजिए इसकी मैं बात करता हूं, इसको आगे बढ़ा करके इसको कर दिया ई, सॉरी डी कर देते हैं इसको डी, और इसको आगे बढ़ा करके ई कर देते हैं, और इसको आगे बढ़ा करके ई एफ कर देते हैं। ओके, तो एक्सटीरियर यानी बाह्य, यहां पर कोण का बाह्य कोण का ये बना, कहने का मतलब एक्सटीरियर तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये था आपका एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल वर्टेक्स ए, ए पर बना बाह्य कोण, और एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स सी पर बना बाह्य कोण, और एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स बी पर बना बाह्य कोण। ओके, इन तीनों का योगफल क्या होगा, हमने आंतरिक कोणों का योगफल तो देख लिया, बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा वो हमको देखना है। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए इसका मान थीटा वन है, इसका थीटा टू है कोण, और ये थीटा थ्री है, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इक्वल टू, इन तीनों का मान बाह्य कोणों का मान कितना होगा, वो होगा आपका 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। और ये इसमें ही नहीं, समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा ही होता है। ओके, तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान 180 अंश और त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 360 अंश होता है। ओके, क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं इसके। हाँ, एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी त्रिभुज का, किसी भी, आप चाहे इसको थ्योरम लिख लीजिए चाहे जो भी, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक त्रिभुज के शेष दो आंतरिक त्रिभुज के बराबर होता है, यानी कि हमसे कोई पूछे कि कोण सी पर बना बाह्य कोण का मान कितना होगा, कितने अंश का होगा, तो वो होगा कोण ए प्लस कोण बी, क्या होगा कोण ए प्लस कोण बी। ठीक, कैसे, मान लीजिए मैंने
एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, मैंने इसको बाह्य कोण बनाया। यहाँ पे कोण ए का मान 35 डिग्री और कोण सी का मान 40 डिग्री। तो किसी ने पूछा कि बाह्य कोण सी पर बना बाह्य कोण का मान बताइए, कोण सी पर बना बाह्य कोण का मान बताइए। तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, दो जो शेष बचे हुए हैं अन्न वो आपका जोड़ उनका योग बाह्य कोण के मान के बराबर होता है 40 + 35 5 और 4 3 7 75 डिग्री, 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और मान लीजिए इसका कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण दिया हुआ है 140 डिग्री और एक कोण आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। ओके, तो हमें कोण बी बताना कितना होगा, हमें कोण बी बताना है कितना होगा। तो हम जानते क्या हैं, जो हमारा बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के अन्य दो अंतः कोण का योग होता है। ये जो 140 है ये इन दोनों का योग है 140। यानी कि हम क्या करेंगे इसको बताने के लिए, 140 माइनस 40 कर देंगे तो इसका जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा 100। आई होप अब तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। यानी कि किसी भी त्रिभुज पर बने बाह्य एक एंगल पर बने बाह्य कोण शेष दो त्रिभुज अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ओके, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक त्रिभुज बनाया मैंने, त्रिभुज ए बी सी, यानी कि मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो कोण बना है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा। समझ में आया आपको क्या कह रहे हो, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, बाह्य तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, ये जो बना हुआ है। मान लीजिए ये हो गया आपका अल्फा ये कोण अल्फा बीटा और गामा, ये कोण अल्फा बीटा और गामा। तो मुझे बताना है कोण ए प्लस सी, ठीक, और ये कोण ए है, इसके अंदर का भी लिख सकते हो कोण ए कोण बी कोण सी, ठीक। बाह्य कोण का मान अल्फा है, अंतः कोण का मान अंतः कोण क्या है एबीसी, बाह्य कोण क्या है अल्फा बीटा गामा। ओके,
हमको बताना क्या है, हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है कितने अंश का होगा इन तीनों का। ओके, तो कैसे करेंगे, अगर हम ए की बात करें, ए की, ओके, तो ये पूरा गोला कितना होता है आपका, संपूर्ण 360 का होता है, लेकिन उसमें इतना अभिकोण ए है, तो यानी जो ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 360 अंश माइनस ए होगा कि नहीं होगा, प्लस बी पे आते हैं, ये भी वैसे ही है, 360 माइनस बी, भाई 360 ये अभी दूसरा है, ये दूसरा है, तो इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से सी, 360 माइनस सी, तो 360 360 360 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 1180, 360 360 360 इंद्र गायना छत्री कठार 1080। ओके, और कोण ए कोण बी कोण सी इसका मान होता है आपका कितना होता है, इसका होता है 180, कितना होता है अंतर कोण 180, तो 1080 में 180 घटाएंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 900 डिग्री, कितना आएगा 900 डिग्री इसका मान निकल के आएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे ये आशा है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक, अभी बात करेंगे बाई साइड्स, यानी कि लाइंस के हिसाब से हम त्रिभुजों का देखेंगे कौन सा ये त्रिभुज है। ओके, तो पहला त्रिभुज आता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, ओके, त्रिभुज को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों ऐसा त्रिभुज आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये 60-60 डिग्री में बराबर बटा होगा, क्योंकि छत्री का 18 आंतरिक कोण इसका 60 अंश 180 अंश होता है, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 60-60 डिग्री में ये बना होता है। ओके, दूसरा आता है, दूसरा कौन सा आता है, फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। ओके, यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, कितनी, दो भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, यानी कि ए बी सी, ए बी कोण, ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तीसरी विषमबाहु, विषमबाहु इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है,
ओके ये बेसिक सी चीजें थी। तो ये देखे हमने बाय साइड्स, यानी कि रेखाओं के आधार पर, साइड्स के आधार पर, ठीक है। अब देखेंगे बाय एंगल, कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके जो तीनों कोण होते हैं, इसके जो तीनों कोण होते हैं, इसको जो तीनों कोण होते हैं वो होते हैं आपका कितना, एच थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री। इसके जो तीनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, या कह सकते हैं जिस कोण, जिस त्रिभुज में कोण, जो तीनों कोण होंगे वो अगर 90 डिग्री से कम है तो वह आपका न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ओके। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा होता है समकोण। अगर एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, एक कोण अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तो वह आपका क्या हो जाता है, वह आपका समकोण हो जाता है। इसमें थ्योरम आती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक। सब लोगों ने आपने इसको पढ़ रखा होगा। कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है, ये बात भी आप जानते होंगे, और जिसको हाइपोटेनस भी कहते हैं, और कर्ण भी कहते हैं इसको, और ये लंब और ये आधार, ओके। ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ओके, ये हो गए। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका समकोण हो गया। एक कोण और है समद्विबाहु कोण, उसकी भी बात कर लेंगे हम यहाँ पर। तीसरा आता है आपका अधिक कोण, कौन सा आता है अधिक कोण, इसमें एक कोण जो आपका होगा वह 90 डिग्री से अधिक होगा। क्या होगा, अधिक कोण में एक कोण आपका 90 डिग्री से अधिक होगा, ओके। मान लीजिए ये 110 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, यानी एक कोण आपका पक्का 90 डिग्री से अधिक होगा, ओके। तो ये तो बात थी आपकी अधिक कोण की, ओके। यानी कि हमने त्रिभुजों को जाना, उनके हमने त्रिभुजों को जाना उनके कोण के आधार पर भी और साइड्स के आधार पर। अब अगली जो क्लास होगी वो हमारी होगी समांतर रेखाओं के ऊपर। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आपको क्लास कैसे लगी ये जरूर बताइएगा, और क्लास अगर आपको पसंद आए तो इसको दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए। खुद को पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।